दिमाग में लेने से हमारा दायां दिमाग सक्रिय होता है, उससे हमारे मन पर असर पड़ता है। मन अगर गलत चीजों से भरा है तो पूर्ण उस रूप से उसका शुद्धिकरण होता है, और मन मजबूत है तो उसको और ये चीजें मजबूत करती है। अगर ये सांप चिन्ह को आप घर में रोज देखते हैं, अगर आप बीमार है तो बीमारी 100% ठीक होगी। आप हॉस्पिटल गए हैं, लाखों करोड़ खर्च किए हैं, ठीक नहीं हुआ, और ये क्रिया आपको सरल दिख रही है, तो सरलता को छोड़िए, इसका प्रभाव बड़ा है, और इस प्रभाव से आप ठीक होके ही रहेंगे, इस चिन्ह से आप ठीक होके ही रहेंगे, निश्चित बात है। तो ये चिन्ह रोग मुक्ति का चिन्ह है, जिसको मेडिकल काउंसिल ने भी अप्रूव किया है, और दवाइयों की चीटियों में, दवाई दुकान में, डॉक्टरों के नाम के बोर्ड में, सब जगह ये चिन्ह लगा रहता है, जो मंगल का चिन्ह है। इस चिन्ह का उपयोग करने के पहले इतना समझना चाहिए कि ये चिन्ह एकाग्रता के साथ देखने की अभ्यास होनी चाहिए, और आज के तारीख में एकाग्रता किसी में नहीं होती है, क्योंकि एकाग्रता हो तभी देखा हुआ अंदर पहुंचता है, नहीं तो ऊपर के ऊपर ही निकल जाता है। वैसे दुनिया में रोड में हम कितने ही चलते फिरते आज तक लाखों लोगों को देखे हुए हैं, वो लाखों लोग हमारे दिमाग में है क्या? अपना बेटा अपने दिमाग में क्यों घुसा? क्योंकि वो अपना है तो घुस जाता है, और पराये सामने रोज जाते आते हुए भी हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाते हैं, तो अपना है वही घुसेगा। उसके लिए एकाग्रता या तो चाहिए, या तो सोने के पहले इस क्रिया को करें, ताकि वो सोने की उनिंदा अवस्था में अपने आप ही दिमाग उसको अंदर ले लेता है। सोते समय जो सोचते हैं वही होता है, ऐसे शास्त्र इसलिए कहता है कि सोते समय जिस चीज को आपने सोचा, आप सोने के बाद उसी चीज को दिमाग रटता रहता है, और रट रट के वो इतना अंदर दृढ़ हो जाता है कि वही चीज आपका जीवन बन जाता है उसके बाद। इसलिए सोते उठते समय क्या सोचूं, इसका भी विवेक होना चाहिए। कई लोग सुबह उठते ऐसे उठेंगे, पहले तो हा हा करते ऐसे भूतों की तरह, और मरोड़ेंगे, शरीर मरोड़ेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे आज कैसा होगा, कल भी तो परेशानी थी, आज भी परेशानी होगी, आज क्या तकलीफ आएगा, यही सोचते उठेगा, यानी ये तकलीफ को आमंत्रित देने वाला आत्मा है। तो इन चीजों का उपयोग कैसे करें महाराज? तो आप जहां सो रहे हो, आपके आंख के सामने दीवार पर A3 साइज के पेपर में कैडुसियस सिंबल डाल के आप गूगल से प्रिंट निकाल लीजिए, कलर प्रिंट हो तो अच्छा है, कलर हो ना तो वो रंग ज्यादा अपने आंखों में घुस के तुरंत असर करते हैं, मन को दिमाग को सक्रिय करता है, और जब तक दायां दिमाग सक्रिय नहीं होगा बीमारी मुक्त हो नहीं पाओगे। आपको बीमारी हो, आपको कोई डर हो, आपके कोई खूब पैसे देन लेन हो, इन सब में ये चीज का उपयोग आप कर सकते हैं। इसका आप एक बार प्रयास करके, इसको आप कोशिश करके इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसमें लाभ होगा नहीं होगा ये सब आपकी एकाग्रता, आपके मन और विचार पर निर्धारित है। इसमें मेरा कोई लेना देना है, करो तो आप करो, नहीं करो तो आप जानो।